दोस्तों नमस्कार। 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और वहाँ के जो नेताओं का असली मकसद है वो भारत को लेकर है। हर कोई अपने चुनावी सभा में जो है मोदी को लेकर और भारत को लेकर बात कर रहा है। तो आज जो सबसे बड़ी बात हुई, जो सबसे बड़ा बयान आया है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके भाई पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं PMLN के प्रमुख शहबाज शरीफ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी बात कही कि आप जान सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान इस तरह से भारत की तरक्की से जलता है। आप देखिए, आज उन्होंने लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है, हमारे रिजर्व केवल एक महीने का आयात कर सकते हैं, हमारे निवेशक लंदन और दुबई वापस जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में क्या होगा। और हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर पाकिस्तान का ये जो नेता है, जो इतने बड़े राज्य का जो मुख्यमंत्री है, वो क्या कहते हैं आप जरा ध्यान से सुनना। आज हिंदुस्तान G20 में जाता है तो मेरे दिल को तीर लगता है कि मोदी वहां आके खड़ा होता है और हम तमाशा देख रहे होते हैं। आप देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जो भारत का इतना सम्मान, और G20 में आपने देखा होगा आप बैठक में जो मोदी जिस तरह से वर्ल्ड लीडर ने उनके साथ बातें की और जिस तरह से उनको एक अलग सम्मान दिया जो आज से पहले नहीं दिखा था, उसको देखकर ये पाकिस्तान के नेता किस तरीके से जलते हैं और हमारे कांग्रेस के नेता भी उसी तरीके से जलते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत का इतना सम्मान बढ़ा रहे हैं। और तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के जो नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि हम मोदी की तरह काम करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे, वहीं हमारे जो नेता हैं, जैसे ही आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता थे जो अशोक चव्हाण, उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट को निरस्त कर देंगे अगर हमारी सरकार आ गई। तो ये अजूबे ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए अपना वोट मांग रहे हैं। तो अगर ऐसी ही बात करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के तो उनका जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो देखिए, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के राजनेता जानते हैं कि भारत के लिए मोदी क्या कर रहा है। वहाँ के हर लोग ये चाहते हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए हमारे देश में कोई नेता, लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात से बड़ी तिलमिलाए हैं और उन्होंने उनको आज जो पाकिस्तान के नेता ने जो बयान दिया है उस बयान को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि मोदी भारत के लिए कितना ज़रूरी है। और अब ये बात कांग्रेसी मत कह देना कि वो मोदी एजेंट हैं या मोदी उनसे मिले हुए हैं।